मैं रविकांत आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस के कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं, कौन कौन से उनके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हेपेटाइटिस जो है अपने लीवर का इन्फ्लामेशन होता है, और ये मेनली तीन टाइप का होता है। एक तो होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, और तीसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है टोटल पाँच तरीके का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो वायरल हेपेटाइटिस के जो पांच टाइप होते हैं उनके क्या कारण होते हैं, कौन सा वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो पांच में से जो चार टाइप होते हैं हेपेटाइटिस ए सी डी और ई, इनके जो है आरएनए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका डीएनए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। हेपेटाइटिस ए के जो वायरस को पिकोरना वायरस कैटेगरी में आता है, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो एडिनो वायरस की कैटेगरी में आता है, हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है जो कि आरएनए वायरस है वो फ्लावी वायरस की कैटेगरी में आता है, हेपेटाइटिस डी जो होता है वो डेल्टा वायरस की कैटेगरी में आता है, और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो कैलिसी वायरस की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे ये वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, जैसे कि इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है कि ट्रेवलर्स के अंदर जो है ये ज़्यादा देखा जाता है, यानी ओरल रूट से ये ज़्यादा फैलता है, यानी कोई भी कंटामिनेटेड वस्तु हम लोग खा लेते हैं उसके थ्रू ये वायरस फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी सी और डी, ये तीनों जो वायरस है वो ब्लड के थ्रू या बॉडी फ्लूड के थ्रू या म्यूकोजा के थ्रू फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है, और हेपेटाइटिस सी जो है मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस फैलता है वो होता है हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो सेम हेपेटाइटिस ए की तरह ही फीको ओरल रूट से, यानी कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू ये फैल सकता है। तो जो हेपेटाइटिस के जो पांचों टाइप है वायरल हेपेटाइटिस वो फैलते हैं किस तरीके से हमने देखा, तो इनका बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें हेपेटाइटिस ए को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हेपेटाइटिस ए को प्री और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे ही फूड हाइजीन के द्वारा भी इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी जो है उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, और जो है ब्लड डोनर जो होता है उसकी स्क्रीनिंग करके भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे हेपेटाइटिस सी को भी ब्लड डोनर स्क्रीनिंग और इंटरफेरोन जो थेरेपी होती है उसके थ्रू जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस डी को भी प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन इन वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, इसलिए उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फूड हाइजीन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि इमीडिएट जो है डैमेज करता है, क्रोनिक जो होता है स्लो ऑर्गन को डैमेज करता है। तो जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं जो कि फीको ओरल रूट से फैलते हैं वो दोनों ही एक्यूट कंडीशन होती है, और बाकी के जो हेपेटाइटिस बी सी और डी जो होते हैं वो क्रोनिक हेपेटाइटिस की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस किस एज ग्रुप को अफेक्टेड मोस्टली करता है। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो मेनली चाइल्ड को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस बी जो है किसी भी एज ग्रुप को अफेक्टेड कर सकता है, और ये एक प्रेग्नेंट मदर से फीटस के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो मेनली एडल्ट्स यानी बड़े लोगों को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस डी जो है वो किसी भी एज ग्रुप को अफेक्टेड कर सकता है, और हेपेटाइटिस ए जो ई जो है वो एडल्ट्स को अफेक्टेड करता है, और मोस्टली जो है प्रेगनेंसी के अंदर भी ये हेपेटाइटिस ई ही देखा जाता है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जिस दिन वायरस बॉडी के अंदर आता है और सिम्टम्स परसिस्ट होते हैं यानी जो साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस टाइम तक के ड्यूरेशन को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हेपेटाइटिस ए होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक होता है, ऐसे हेपेटाइटिस ई जो होता है उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है अप्रोक्स 75 डेज होता है, हेपेटाइटिस सी का अप्रोक्स 50 डेज होता है, और हेपेटाइटिस डी जो होता है उसका अप्रोक्स 35 डेज होता है। तो सबसे जो शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है वो हेपेटाइटिस ए और ई का होता है, और सबसे लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है वो हेपेटाइटिस बी का होता है।
अभी तक जो हमने पांच वायरल हेपेटाइटिस पढ़े हैं उन पांचों वायरल हेपेटाइटिस को कुछ अदर नेम से भी बुलाया जाता है। तो देखते हैं, जो हेपेटाइटिस ए होता है उसे हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस सी को जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है इसलिए इसे पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस डी जो होता है उसे सुपर इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हेपेटाइटिस डी का जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी के वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स किसी भी पर्सन को डायरेक्ट हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता है, केवल एक ही कंडीशन में हेपेटाइटिस डी होता है, जब उसे हेपेटाइटिस बी हो। इट मीन्स कोई पर्सन है उसे हेपेटाइटिस बी हुआ है तो ही उसको हेपेटाइटिस डी होगा, अदरवाइज हेपेटाइटिस डी नहीं होता है क्योंकि इसका वायरस हेपेटाइटिस बी के वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। और हेपेटाइटिस ई जो होता है उसे वाटर बोन हेपेटाइटिस बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये जो है वाटर की वजह से ही जो है अनसेफ वाटर या फिर कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ही फैलता है। इन पांचों हेपेटाइटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हम लोग उसे कहते हैं जो कि एक्यूट और नेक्रोसिस ऑफ लीवर जो है एक्यूट करता हो, और हमें पता है कि एक्यूट जो हेपेटाइटिस होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए और ई। इट मीन्स हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग फुलमिनेंट हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जो है इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, बाकी अदर जो हेपेटाइटिस है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि टैटू नीडल जो होती है अगर हेपेटाइटिस पर्सन पे यूज करके उसको सैनिटाइज विदाउट सैनिटाइज अगर किसी पर्सन में यूज किया जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो फैल सकते हैं। ऐसे ही जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो होता है 28 जुलाई, यानी हर साल जो है 28 जुलाई को ये सेलिब्रेट मनाया जाता है। ऐसे ही जो हेपेटाइटिस ए होता है उसके अंदर परमानेंट डैमेज जो है लीवर का नहीं होता है, बाकी सभी के अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है। ऐसे ही जो हेपेटाइटिस डी का वायरस है वो हेपेटाइटिस बी के वायरस के अंदर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इट मीन्स किसी पर्सन में अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसको जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली होती है प्री इक्टरस फेज, दूसरी होती है इक्टरिक फेज, तीसरी होती है पोस्ट इक्टरिक फेज। इक्टरिस का मतलब होता है पीलिया यानी जॉन्डिस, यानी जॉन्डिस से पहले, जॉन्डिस के टाइम और जॉन्डिस के बाद, यानी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्री इक्टरस फेज होती है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर, स्नीजिंग, कफिंग, लिथार्जी, और ये जो स्टेज है वो एक वीक तक रहती है। इक्टरिक फेज यानी जॉन्डिस फेज के अंदर जो है पर्सन को पीलिया हो जाता है, टी कलर का यूरिन आने लग जाता है, क्ले कलर का स्टूल आने लग जाता है, ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। प्रूराइटिस हो जाता है, खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, येलो कलर की स्क्लेरा दिखाई देने लग जाती है, और ये जो स्टेज है वो 1 से 4 वीक में होती है, इसमें लीवर डैमेज हो जाता है। पोस्ट इक्टरिक फेज होती है अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो रिकवरी फेज होती है, और ट्रीटमेंट नहीं होता है तो डैमेज फेज होती है, और ये जनरली 4 से 6 वीक की हो सकती है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं HBS AG टेस्ट, यानी सरफेस एंटीजन का इसमें पता लगाया जाता है। तो सरफेस एंटीजन का जो टेस्ट है वो जो है अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है तो विदिन 7 डेज ही ये जो है इसमें पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स पहले 7 दिन के अंदर भी अगर ये टेस्ट करवाया जाए तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है सरफेस एंटीजन, और इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी जो होती है वो आफ्टर 7 डेज, इन्फेक्शन के 7 दिन के बाद से एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो 7 डेज के बाद में जो है IgG और IgM एंटीबॉडी भी पर्सन के ब्लड सिरा के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस हो गया है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो है सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट किया जाता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट पर्सन को दी जाती है। दूसरा जो है पर्सन को स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग की जाती है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई के केस में क्या होता है कि ये अनसेफ जो है फूड और वाटर के थ्रू ये फैलती है। और तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है इसका वो होता है इम्यूनाइजेशन, तो जो भी प्री और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन्स अवेलेबल होती है उन वैक्सीन से पर्सन को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, और पोस्ट एक्सपोजर यानी हेपेटाइटिस से एक्सपोज होने के बाद में भी वैक्सीन जो है लगाई जाती है। और जो है 7 से 14 दिन का जो होता है पीरियड जो होता है इन्फेक्शन के बाद में वो हेपेटाइटिस का जो है हाईली इन्फेक्शियस पीरियड होता है, इस टाइम पे जो है पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इसको ट्रांसमिट कर सकते।
तो आज के इस लेक्चर से रिलेटेड एम्स डीएसएसबी जैसी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कौन सा वायरस जो है डीएनए वायरस होता है, कौन से वायरस आरएनए होते हैं, कौन से वायरस का क्या नाम होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन से वायरस का क्या होता है, फेको ओरल रूट से कौन सा फैलता है, ट्रेवलर्स को कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, प्रेगनेंट वुमेंस को कौन सा हेपेटाइटिस हो सकता है, वाटर बोर्न हेपेटाइटिस कौन सा है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है, इसी तरीके के जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आज हम लोगों ने सीखे। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कि मदर से यानी प्रेग्नेंट मदर से फिटस के अंदर कौन सा हेपेटाइटिस जो है, कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस डीएनए वायरस होता है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर दें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और आज के इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।